हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद आवर सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर फर्स्ट. सी स्टूडेंट्स, इवन दो फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 मेनी चैप्टर्स फ्रॉम द कोर्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड, बट इन माय ओपिनियन यू शुड नॉट स्किप एनी चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी बिकॉज इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर योर फर्दर स्टडीज एंड क्लियरिंग योर कंसेप्ट. एंड नाउ यू आर हैविंग इनफ टाइम, so it's better to cover all portion from NCERT. As we all know, an investment in knowledge always pays the best interest. So without skipping any chapter, we will continue with chapter first, reproduction in organism. In reproduction in organism, we will cover two main topics, asexual reproduction and sexual reproduction. So in this video we are going to study asexual reproduction. So what is asexual reproduction? A single parent is capable of producing offspring. Asexual reproduction mein sirf single parent involved rehta hai. Next, the offspring produced are not only identical but they are exact copies of their parents. जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं या फिर न्यू वंस प्रोड्यूस होते हैं, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वो पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर होते हैं. बिल्कुल सिमिलर का क्या मतलब है? एग्जैक्ट कॉपीज, मतलब दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर. मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर का क्या मतलब है? मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस बिल्कुल सेम होगा पेरेंट्स के जैसे, और जेनेटिकली मतलब जीन्स भी बिल्कुल सेम होंगे एज सिमिलर टू parents. Next, morphologically and genetically similar individual are termed as clone. और इसी को अपन क्या बोलते हैं? Clones. अभी अपन ने बोला asexual reproduction में exact copies बन रही हैं. Exact copies से क्या मतलब है? कि वो morphologically and genetically बिल्कुल similar होंगे parents के, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? Clones. ओवरऑल asexual reproduction में clones produce होते हैं. जो offspring produce होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं clones. Asexual reproduction is also known as agamogenesis or somatogenic reproduction. Somatogenic reproduction क्यों बोलते हैं अपन इसे? क्योंकि इसके अंदर mitosis division होता है. Mitosis division मतलब chromosome number same रहते हैं as similar to parents. इसे equational division भी बोलते हैं. That is why it is known as somatogenic reproduction. Next है occurrence. Asexual reproduction is common among single-celled organism. Basically, asexual reproduction किस में कॉमन होता है? तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कॉमनली होता है, जिसे अपन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, मतलब उनके पास में सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट है, एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. और ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उनकी बॉडी में ज़्यादा, उन ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसका एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा किंगडम. सी, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहते हैं, बट कुछ कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. नेक्स्ट है सेल डिविजन. यहाँ पे अपन बेसिकली बात करते हैं प्रोटिस्टा और मोनेरा किंगडम की. प्रोटिस्टा और मोनेरा किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल होते हैं. अब ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे एंड इवेंचुअली इट विल प्रोड्यूस टू सेल्स. देखिए यहाँ पे आपको दो सेल्स दिख रहे हैं. अब ये जो दो सेल्स आपको दिख रहे हैं, एक्चुअली दिस आर टू न्यू ऑर्गेनिजम्स. क्या मतलब है इसका? कि इन ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. सो इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In this method, a single individual parent is capable of producing offspring. इसके अंदर सिर्फ single parent involved रहता है. As a result, the offspring produced that are
that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parents. यहाँ पे जो copies produce होती हैं individual की वो बिल्कुल same होती है parents की, इतनी same होती हैं कि वो genetically and morphologically बिल्कुल same होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, आर दिस ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट. तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे इन टर्म्स ऑफ जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली. और इसे अपन क्या बोलते हैं, क्लोन्स. द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल. Let us see how widespread asexual reproduction is among different group of organism. Basically, किन organism में ज़्यादातर asexual reproduction होता है, तो ये मैं आपको already बता चुकी हूँ. Asexual reproduction is common among single cell organism. ज़्यादातर किन में होता है, single cell organism and in plants and animals with relatively simple organization. ऐसे plants और animals जिनका organization बहुत ज़्यादा simple है, ज़्यादा complexity नहीं है उनकी body में. In protists and monerans, the organism or the parent cell divide by mitosis into two to give rise to new individual. Protista और monera kingdom की भी बात करी थी अपन ने. Thus, in this organism, cell division is itself a mode of reproduction. ये आपको याद रखना है point. Protista और monera kingdom की जब अपन बात करते हैं तो वहाँ पर cell division ही क्या है, mode of reproduction. ऐसा क्यों है, because they are unicellular, that is they are single celled. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके अंदर अपने को पढ़ना है फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन. लेट्स स्टार्ट विथ फिजन. फिजन मेनली दो टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. फिजन का अगर अपन मतलब देखें, फिजन का मतलब होता है टू डिवाइड. ठीक है, तो बाइनरी फिजन मतलब दो में डिवाइड होगा, मल्टीपल फिजन मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल में डिवाइड होगा. बाइनरी फिजन का बेस्ट एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना. डायग्राम से समझते हैं इसे. ये एक अमीबा है, अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. सबसे पहले ये न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा और दो न्यूक्लियस में डिवाइड होगा. इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. देन न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, इस प्रोसेस को कहते हैं साइटोकाइनेसिस. एंड अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इनटू टू डॉटर अमीबा. मतलब एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए हैं, दो अमीबा. तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, बाइनरी फिजन. नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन. नाम से समझ में आ रहा है, मल्टीपल मतलब बहुत सारे. तो एक ऑर्गेनिज्म जब बहुत सारे स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल में डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं मल्टीपल फिजन. इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम एंड अमीबा. अमीबा का एग्जांपल आपने बाइनरी फिजन में भी पढ़ा है और इसी का एग्जांपल आप मल्टीपल फिजन में भी पढ़ते हैं. अमीबा को अपन डिटेल में समझते हैं. मल्टीपल फिजन इन अमीबा. अमीबा में अपन देखें तो अमीबा का इररेगुलर स्ट्रक्चर होता है और इन प्रोजेक्शंस को अपन बोलते हैं सूडोपोडिया. जब भी अमीबा के पास में अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन से क्या मतलब है कि हो सकता है कि प्रॉपर टेम्परेचर ना हो, प्रॉपर फूड की अवेलेबिलिटी ना हो, उस कंडीशन में अमीबा सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है एंड इट इज़ फॉर्मिंग ए थ्री लेयर स्ट्रक्चर. तीन लेयर्स बना लेता है जिसे अपन बोलते हैं सिस्ट. जब अमीबा ये तीन लेयर्स का फॉर्मेशन करता है, मतलब सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एनसिस्टेशन. तीन लेयर्स बन गई हैं, देन उन लेयर्स के अंदर ही न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और अमीबा के डॉटर सेल्स अंदर ही डिवाइड करेंगे. जब भी सूटेबल कंडीशन होगी, मतलब जब भी फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगी, तो अमीबा डॉटर अमीबा जो बन गए हैं वो रिलीज होंगे, जिन्हें अपन कहते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पोरिलेशन. अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विदड्रॉ इट्स सूडोपोडिया. सूडोपोडिया को विदड्रॉ कर लेगा एंड सिक्रीटेड थ्री लेयर. कितनी लेयर्स रहती है, तीन लेयर कवरिंग और सिस्ट अराउंड इट्स सेल्फ. दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज एनसिस्टेशन. व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द एनसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन. जब भी फेवरेबल कंडीशन रिटर्न हो जाएगी तो अमीबा डिवाइड करेगा मल्टीपल फिजन से. नॉर्मली अमीबा डिवाइड करता है बाइनरी फिजन से, सिर्फ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इट इज़ डिवाइडिंग बाय मल्टीपल फिजन.
produces many minute amoeba or pseudopodiospores. The cyst wall burst and spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba. This phenomena is termed as sporulation. Next type is budding. Formation of daughter individual from small projection. नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? स्मॉल प्रोजेक्शन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बड, या फिर स्मॉल आउटग्रोथ, छोटी सी आउटग्रोथ होती है जो इवेंचुअली क्या करती है, न्यू डॉटर सेल्स को अराइज करती है या नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करती है. इसके बेस्ट एग्जांपल है बडिंग इन ईस्ट, बडिंग इन हाइड्रा. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. बडिंग इन ईस्ट, ये एक ईस्ट सेल है. ईस्ट सेल यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल होता है. ईस्ट सेल के अंदर आपको यहाँ पे छोटा सा प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, छोटा सा आउटग्रोथ हुआ है, जिसे बड भी बोलते हैं. बड अराइज हो रहा है पेरेंट बॉडी से. ये बड मैच्योर हो रहा है. मैच्योर होने के बाद में ये फाइनली पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा. डिटैच मतलब अलग हो जाएगा, एंड इट विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग. नेक्स्ट है बडिंग इन हाइड्रा. इनिशियली हाइड्रा की जो बॉडी है मल्टी सेलुलर रहती है. कुछ रीजनरेटिव सेल्स रहते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बड प्रोड्यूस करते हैं. ये बड्स धीरे धीरे क्या होगा, मैच्योर होगा. इस बड की ग्रोथ होगी, बिल्कुल पेरेंट्स के जैसा बनेगा, और फाइनली ये पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा. इट विल रिजल्ट इन न्यू हाइड्रा. नेक्स्ट एनसीईआरटी का पैराग्राफ है ये. मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रीप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन अपने देखा है, फिजन मतलब डिवाइड, बाइनरी मतलब दो में डिवाइड होना. इसका एग्जांपल भी देखा था अपन ने, अमीबा एंड पैरामीशियम, वेयर ए सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स, जिसमें सेल कितने में डिवाइड होगा, दो हाफ्स में. ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन अडल्ट, एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम. नेक्स्ट है इन ईस्ट द डिविजन इज अनईक्वल. ईस्ट का एग्जाम्पल अपन ने देखा था बडिंग के अंदर, जिसके अंदर डिविजन अनईक्वल होता है. अनईक्वल मतलब जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी साइज थोड़ी छोटी होती है कंपेरेबल टू पेरेंट सेल्स, एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल्स. पहले बर्ड किससे अटैच रहता है, पेरेंट बॉडी से अटैच रहता है, विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म. अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉ इट सूडोपोडिया. जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है अमीबा के पास में, तो वो डिवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल फिजन. वो सबसे पहले सूडोपोडिया को विड्रॉ करेगा एंड सिक्रीटेड थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ. वो सिस्ट की लेयर बनाएंगे जिस जो थ्री लेयर्ड की रहती है. दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज एनसिस्टेशन. व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द एनसिस्टेड अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन. जब भी अमीबा के पास में फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तो वो मल्टीपल फिजन के थ्रू डिवाइड करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस माइन्यूट अमीबा और सूडोपोडियो स्पोर्स. सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट, सिस्ट वॉल बर्स्ट होगी, स्पोर्स जो होंगे बाहर रिलीज होंगे सराउंडिंग मीडियम में टू ग्रो इनटू मेनी अमीबा. मतलब एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा बन गए हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पोरिलेशन. नेक्स्ट टाइप है स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में बेसिकली आपको दो एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं. पहला है जू स्पोर्स एंड दूसरा है कोनीडिया. टाइप्स में जू स्पोर्स का एग्जाम्पल आपको देखना है क्लैमिडोमोनस के अंदर, और कोनीडिया का एग्जाम्पल आपको देखना है पेनिसिलियम के अंदर. जू स्पोर्स, जू स्पोर्स के अंदर अपन देख रहे हैं मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड स्पोर्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जू स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब वो मूव कर सकते हैं, एंड दे आर फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. फ्लैजिला की मदद से ही वो क्या करते हैं, दे आर एबल टू मूव. जू स्पोर्स का एग्जाम्पल अपने को देखना है क्लैमिडोमोनस में. ये डायग्राम आपको दे रखा है. क्लैमिडोमोनस एक एल्गे है. एल्गे में अपन देख रहे हैं कि जो पेरेंट सेल्स है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जू स्पोरांजिया. ये जू स्पोरांजिया के अंदर बहुत सारे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, जू स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड दिस जू स्पोर्स आर मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड. ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं. सो दिस जू स्पोर विल गिव राइज टू मैनी न्यू क्लैमिडोमोनस. नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन में आपको देखना है कोनीडिया. कोनीडिया का बेस्ट एग्जाम्पल है पेनिसिलियम. पेनिसिलियम एक फंगस का टाइप है. यहाँ पे कुछ जू स्पोर से डिफरेंट पॉइंट है.
ये स्पोर्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं. नॉन मोटाइल मतलब दे आर नॉट एबल टू मूव. ये स्पोर्स दिख रहे हैं यहाँ पे किस में प्रोड्यूस होते हैं, चेन्स में प्रोड्यूस होते हैं. ये चेन्स आपको दिख रही है और ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी. तो यहाँ पे अपन बोलते हैं दे आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, मतलब दे आर प्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी. इसका एग्जाम्पल है कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम. पेनिसिलियम इज़ ए टाइप ऑफ फंगस. नेक्स्ट ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ आपको दे रखा है. मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गे रीप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर ज़ूस्पोर्स. अपन ने ज़ूस्पोर्स के बारे में पढ़ा है. ज़ूस्पोर्स दैट आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर. कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड दे आर मोटाइल, मतलब दे आर एबल टू मूव. मूव कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला. ज़ूस्पोर में अपन ने एग्जाम्पल भी देखा है क्लैमिडोमोनस का. अदर कॉमन असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया पेनिसिलियम. ये भी अपन ने देखा है कोनिडिया. कोनिडिया का डिस्क्रिप्शन भी आपको दे रखा है मैंने. नेक्स्ट बर्ड हाइड्रा. हाइड्रा का भी मैंने आपको समझा रखा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. गेम्यूल स्पॉन्ज ये मैं आपको अभी आगे समझा रही हूँ. नेक्स्ट आपको ये कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम दे रखे हैं. सबसे पहला डायग्राम आपको दे रखा है ज़ूस्पोर का, ज़ूस्पोर इन क्लैमिडोमोनस. नेक्स्ट आपको डायग्राम दे रखा है कोनिडिया, कोनिडिया एंड पेनिसिलियम. नेक्स्ट आपको बता रखा है हाइड्रा का एग्जांपल. हाइड्रा के अंदर आपको बडिंग बता रखी है, बडिंग इन हाइड्रा. और ये नेक्स्ट एग्जांपल है आपका गेम्यूल्स इन स्पॉन्ज. गेम्यूल्स बता रखे हैं. ये गेम्यूल्स के अंदर अपन देखें तो जो आपको ये अंदर सेल्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स. जो आपको ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं स्पिक्यूल्स. ये स्पिक्यूल्स प्रोटेक्ट करते हैं. अगर यहाँ पे अपन बात करें स्पॉन्जेस की तो यहाँ पे बेसिकली अपन बात करते हैं स्पॉन्जिला, जो कि क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है. वो रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ गेम्यूल्स. यहाँ पे जो ये मास ऑफ सेल्स आर्कियोसाइट्स हैं ये ओपनिंग, इस ओपनिंग से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं एंड इट विल गिव राइज टू मैनी न्यू स्पॉन्जेस. और इस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल. नेक्स्ट आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है बडिंग इन ईस्ट का. ईस्ट का सेल है ये, पेरेंट सेल है. देन यहाँ पे बर्ड अराइज हो रहा है एंड फाइनली दिस बर्ड विल गिव राइज टू न्यू ईस्ट सेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.